हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जो हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो यूजीसी नेट का जो आपका कंप्यूटर साइंस जो कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं पेपर टू में, उनका जो डिटेल्स सिलेबस है वो क्या है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूज़न रहती है। ना जाने कितने सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो जो टॉपिक था वो हमारे सिलेबस में था ही नहीं। तो सिलेबस को हम लोग जो है पेपर टू कंप्यूटर साइंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनके यूनिट के साथ साथ जो उनके सब टॉपिक हैं उनको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक बीएसआई एकेडमी कंप्यूटर साइंस चैनल को, यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप कर लीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे हमारी टीम को, बीएसआई एकेडमी टीम को मोटिवेशन मिले कि और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो जो हैं हम लोग आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। वैसे यूजीसी नेट के जो कंप्यूटर साइंस के काफ़ी सारे जो वीडियो हैं हम लोग जो अपना ओल्ड चैनल है बीएसआई एकेडमी उस पर अपलोड कर चुके थे, बट अब हम लोग जो हैं डिटेल में कंप्यूटर साइंस के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अब हम लोग जो एक सेपरेट चैनल जो हमारा बीएसआई एकेडमी का है उस पर डिटेल जो है सारा कंप्लीट जो है कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स को हम लोग आपके साथ सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अगर हम लोग यूजीसी नेट की बात करें तो पेपर वन पेपर टू हमारे दो पेपर होते हैं, पर एक ही पेपर होता है हमारा, मतलब एक ही एग्जाम होता है 3 आवर्स का, 180 मिनट्स का। अब उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, तो इसके लिए ये डिटेल में वीडियो जो है पेपर टू कंप्यूटर साइंस का हम लोग आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे के पूरे कंप्लीट कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को देखिए, जब भी अब यहाँ पर मैं सिलेबस की बात करूंगा तो मैं कंप्यूटर साइंस के पेपर टू के सिलेबस की बात करूंगा। तो यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, कंप्यूटर साइंस की पूरे कंप्लीट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक। अब पहले मैं हम लोग जो हैं इनकी जो 10 यूनिट्स हैं, कौन कौन सी 10 यूनिट्स हैं, एक एक करके उनके मैं आपको नाम बताता हूं। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 जो है आपकी वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन। देन यूनिट 2 है आपकी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। यूनिट 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। यूनिट 4 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यूनिट 5 सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिट 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यूनिट 7 डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। यूनिट 8 थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर्स। यूनिट 9 डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। एंड यूनिट 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये 10 यूनिट जो है आपके सिलेबस में है। अब इन यूनिट के अंदर भी आपके काफी सारे टॉपिक हैं और उन टॉपिक्स के भी सब टॉपिक हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं यूनिट 1 की बात करूँ, यानी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ, तो आपको कौन से टॉपिक जो हैं इस यूनिट में पढ़ने हैं वो आपके इस तरह से हैं, जिसमें मैथमेटिकल लॉजिक, सेट्स एंड रिलेशन, ग्रुप थ्योरी, देन ग्राफ थ्योरी, बुलियन अलजेब्रा एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये आपके 6 टॉपिक हैं। अब इन टॉपिक के भी सब टॉपिक हैं, तो उनको भी हम लोग जो हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपको जब मैं इन यूनिट्स को आपको इंडिविजुअल यूनिट आपके लूंगा, तब मैं आपको इनके डिटेल में जो इनके सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अब यूनिट नंबर 2 आती है आपकी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में आपके डिजिटल लॉजिक सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है डेटा रिप्रेजेंटेशन। देन अनदर टॉपिक इज रजिस्टर ट्रांसफर एंड माइक्रो ऑपरेशन। देन बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन। देन प्रोग्रामिंग द बेसिक कंप्यूटर। देन नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। Then next unit is topic is central processing unit. Then next topic pipelining and vector processing, input and output organization, memory hierarchy and multiprocessors. तो ये जो है आपके इस यूनिट के यानी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही टॉपिक जो है आपको अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करने हैं। अब हम लोग जो हैं अपनी यूनिट नंबर 3 यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स की तरफ चलते हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो कि आपको प्रिपेयर करना है वो है लैंग्वेज डिजाइन एंड ट्रांसलेशन इश्यूज। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्री डेटा टाइप। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोग्रामिंग इन सी, यानी सी की प्रोग्रामिंग के जो कोड आते हैं बहुत सारे पेपर में आते हैं उनको पढ़ना है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस,
वेब प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो अब तक जो है वो आपका प्रोग्रामिंग में आता है। ओके, अब मैं आपको कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स के पार्ट बता दूं। कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ टॉपिक हैं जिसमें टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म एंड व्यूइंग, थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्यूइंग। तो 2D एंड 3D में आपको कंप्लीट पढ़ना है। देन नेक्स्ट आपका टॉपिक है, यूनिट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपके लिए डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर, डेटा मॉडलिंग। देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज योर SQL। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मलाइजेशन फॉर रिलेशन डेटाबेस, इनहांस डेटा मॉडल्स, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, बिग डेटा टाइप, क्योंकि बिग डेटा सिस्टम एक्चुअली बिग डेटा के ऊपर काफी क्वेश्चन एग्जाम में अब आने लगे हैं। देन NoSQL, यानी नो SQL जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। तो ये जो है आपकी फोर्थ यूनिट है। अब हम लोग जो है आगे की जो यूनिट है आपको डिस्कस करते हैं। चलो यूनिट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपका हमारा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी जरा एक बार देख लेते हैं। इस यूनिट में टॉपिक्स हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, थ्रेड्स, CPU शेड्यूलिंग, डेडलॉक्स, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल एंड इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, सिक्योरिटी, वर्चुअल मशीन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ये जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर हैं, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब हमारी जो यूनिट नंबर 6 है वो है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब इसमें भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थे। तो अब तक हम लोग जो है 6 यूनिट्स चेक कर चुके कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर साइंस की। 7th यूनिट है हमारी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब यहां पर आपको पहले तो डेटा स्ट्रक्चर के जो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एरेज हैं और बहुत सारे और भी डेफिनेशंस हैं, तो वो पढ़नी है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एंड रिकरेंस रिलेशंस। तो आपको जो परफॉर्मेंस के अंदर जो आपको जो एल्गोरिथम्स हैं उनके एनालिसिस देखने हैं, पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है डिजाइन टेक्निक्स, देन लोअर बाउंडेड थ्योरी, देन ग्राफ एल्गोरिथम्स, जो हमारे ग्राफिक्स ग्राफ के जो थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं वो देखने हैं। देन नेक्स्ट इसमें आता है कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक हैं इसमें जिनको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में। और नेक्स्ट इसमें आता है एडवांस एल्गोरिथम्स। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आपके डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम डिजाइन के अंदर आते हैं। अब यूनिट नंबर 8 यानी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर्स है। इसमें आपको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के जो बेसिक पहले डेफिनेशन है वो पढ़नी है। देन रेगुलर लैंग्वेज मॉडल्स, देन CFL यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, TM ट्यूरिंग मशीन्स, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम एंड कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, रन टाइम सिस्टम, देन इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, देन कोड जनरेशन लास्ट में इसमें आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये आपकी यूनिट नंबर 8 थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कंपाइलर डिजाइन के कुछ टॉपिक थे। देन यूनिट नंबर 9 डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इस तरह से हैं, जिसमें डेटा कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक थ्योरी है, बेसिक डेफिनेशन है वो पढ़ने हैं। देन कंप्यूटर नेटवर्क्स इनकी सारी डेफिनेशन के कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। देन नेटवर्क मॉडल्स, फंक्शंस ऑफ OSI मॉडल एंड OSI लेयर एंड TCP/IP लेयर। देन नेक्स्ट इसमें आता है IP वर्जन 4 का जो स्ट्रक्चर है और इसका एड्रेसिंग स्पेस है, यानी इससे रिलेटेड जो उसकी क्लासफुल एड्रेस है, क्लासलेस एड्रेसिंग की जो क्लासेस हैं उनको डिस्कस करना है, पढ़ना डिटेल में। देन नेक्स्ट इसमें आता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी शॉर्ट में जिसको हम लोग WWW कहते हैं। देन नेटवर्क सिक्योरिटी एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ना है, डिटेल में डिस्कस करना है इसको। तो ये है आपकी यूनिट नंबर 9। देन नेक्स्ट इसमें आती है यूनिट नंबर 10, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अप्रोचेस टू AI यानी अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, इसमें बहुत एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लानिंग, देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको हम लोग शॉर्ट में NLP कहते हैं, फजी सेट, जेनेटिकल एल्गोरिथम,
आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी इसमें ALN शॉर्ट में हम लोग जिसको कहते हैं वो आपको डिटेल में देखना है। तो ये आपकी 10 यूनिट्स हैं कंप्यूटर साइंस की UGC नेट के लिए। अब ये जो सिलेबस है आपका यही सेम सिलेबस जो है सेट जो आपका एग्जाम होता है जो आपके स्टेट लेवल में एग्जाम होता है उसके लिए भी आपका यही सिलेबस जो है वैलिड रहेगा। तो अब यहां पर बात आती है कि ये 10 टॉपिक्स 10 यूनिट्स तो हम लोगों ने देख लिए, अब इनके हमने सब टॉपिक भी देख लिए, अब इन टॉपिक्स के सब टॉपिक के अगर आगे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं आपके साथ एक एक करके टॉपिक वाइज यूनिट वाइज जो है आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे लिए आज का जो वीडियो था इसमें UGC नेट का जो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है और ये डिटेल सिलेबस जो है आपको मैंने बताया, इसका जो जो वेबसाइट पे जो उसका PDF है वो हम लोग जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसमें जो इसका जो PDF है वो आप वहाँ पे देख के डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियोस हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो कि हम लोगों ने उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपलोड कर दिया है, मेंशन कर दिया है, आप जाके उनको वहां से जाके देख लीजिएगा। तो आज के टॉपिक आज के वीडियो को यहाँ पे हम फिनिश करते हैं और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर जो है हमारा आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। साथ में BSI Academy के कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज में एनरोल करने के लिए भी आप हमें वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा यूट्यूब पे, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। सो अगर अभी तक आपने BSI Academy कंप्यूटर साइंस के चैनल को YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।